हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होल व्हीट फ्लावर पर, यानी आटे के बारे में। आटा जो है वो हमारे ब्रेन, एंडोस्पर्म और व्हीट जम, ये तीनों मिलाकर बनता है। इन तीनों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो आप आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। इनके अलावा आटे में कुछ प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। वे प्रोटीन जब हाइड्रेट किए जाते हैं तो आटे में ग्लूटेन बनता है। हाइड्रेट मतलब हम कोई भी लिक्विड जब आटे में मिलाते हैं तब वे हाइड्रेट हो जाते हैं और उसमें ग्लूटेन बनता है। जब हम आटा गूंथते हैं तो हम देख सकते हैं जो लचीलापन आटे में आता है वो यही ग्लूटेन की वजह से ही आता है। ग्लूटेन हमारे ब्रेड को और कई अन्य बेकरी प्रोडक्ट्स को स्ट्रक्चर देने में काम आता है। जब भी ब्रेड बेक होने के बाद आप अगर अंदर देखेंगे, जो प्रकार का जाली जाली होता है अंदर, वही हमारा ग्लूटेन होता है जो हमारे ब्रेड को स्ट्रक्चर देता है। आटे के दो प्रकार होते हैं, एक होल व्हीट होता है जो हम आटा बोलते हैं और दूसरा रिफाइंड फ्लावर होता है जिसे हम मैदा बोलते हैं। होल व्हीट फ्लावर जो है वो नॉर्मल होता है, बल्कि रिफाइंड फ्लावर जो होता है उसके दो प्रकार आते हैं, एक ब्लीच्ड वाला और एक और दूसरा अनब्लीच्ड वाला। पर बेसिकली सब फ्लावर ब्लीच किए जाते हैं। उसमें से जो अनब्लीच वाला होता है वो नेचुरली ब्लीचिंग स्टेज पर पहुंचता है, जो कि बहुत टाइम और समय लेता है, और जो ब्लीच वाला होता है वो केमिकली प्रोसेस करके ब्लीच किया जाता है, जो कि इंस्टेंट मेथड होता है ब्लीच करने का। जितना आप रिफाइंड फ्लावर को एज होने के लिए रखेंगे उतना ही वो ज़्यादा सॉफ्ट और वाइट कलर का होगा। जैसे मैंने बताया है कि अनब्लीच फ्लावर नेचुरली वो स्टेज पर पहुंचता है जहां वो सॉफ्ट और वाइट कलर का होता है, और ये मार्केट में भी इसका रेट थोड़ा महंगा होता है। और ब्लीच्ड फ्लावर में केमिकल डालकर वो सॉफ्ट और वाइट कलर का बनाया जाता है, और इस प्रोसेस में माना जाता है कि जो ग्लूटेन होता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है उसकी क्वांटिटी केमिकल और ब्लीचिंग की वजह से। अब हम जानेंगे अलग अलग फ्लावर के बारे में। पहले हम जानेंगे होल व्हीट फ्लावर के बारे में, जो तीन प्रकार में आता है। पहला है हमारा नॉर्मल होल व्हीट फ्लावर, यानी आटा जो हम लोग रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अक्का गेहूं के दाने का बनता है। दूसरा है वाइट होल व्हीट फ्लावर, मतलब सफ़ेद आटा, जो प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स आटे में पाए जाते हैं यानी होल व्हीट फ्लावर में, वो सब वाइट होल व्हीट फ्लावर में भी पाए जाते हैं। बस इसका टेक्सचर थोड़ा फाइन होता है, बल्कि होल व्हीट फ्लावर में थोड़ा ग्रेनी जैसा होता है। और तीसरा जो है वो है पेस्ट्री होल व्हीट फ्लावर। इसका टेक्सचर फाइन पाउडरी जैसा होता है, और इसका ब्रेड और पेस्ट्री जो बनता है वो सॉफ्ट बनता है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन कंटेंट थोड़ा लो होता है, इसमें ज़्यादा ग्लूटेन नहीं होता है। आपने नोटिस किया होगा तीनों में सेम न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होए, पर जो प्रोटीन का कंटेंट है वो अलग अलग है। अब हम जानेंगे अलग अलग प्रकार के रिफाइंड फ्लावर यानी मैदे। पहला है ब्रेड फ्लावर, इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी हाई होती है, यानी ग्लूटेन ज़्यादा है, और ये ब्रेड बनाने के लिए अनुकूल होता है। दूसरा है केक फ्लावर, इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है और थोड़ा इसका टेक्सचर भी सॉफ्ट होता है। ये फ्लावर हैविली ब्लीच किया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर सॉफ्ट बन जाता है, और ये केक बनाने के लिए
जो भी सॉफ्ट फ्लफी केक्स बनाने के लिए ये सही रहता है। और इस केक फ्लावर के दोनों ब्लीच्ड जो केमिकली ब्लीच किया जाता है और अनब्लीच्ड जो नेचुरली ब्लीच किया जाता है वो दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। तीसरा है रिफाइंड फ्लावर, यानी हमारा मैदा जो हमारे मार्केट में मैदा अवेलेबल रहता है उसे हम रिफाइंड फ्लावर कहते हैं, यानी इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी और सब न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी मॉडरेट होता है, मतलब मीडियम लेवल के रहते हैं। इस फ्लावर से हम रोटी, ब्रेड, केक, पेस्ट्री जो कुछ चाहिए वो बना सकते हैं, क्योंकि इसमें के जो अलग अलग प्रोटीन के लेवल होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, यानी एक समान होते हैं। यही फ्लावर हमारे इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल रहता है। चौथा है हमारा सेल्फ राइजिंग फ्लावर। ये फ्लावर भी रिफाइंड फ्लावर की तरह ही होता है, पर इस फ्लावर में थोड़ी क्वांटिटी बेकिंग पाउडर की भी मिलाई जाती है, क्योंकि आप जब कोई रेसिपी लेते हैं तो ये रेसिपी में डायरेक्टली ऐड किया जाता है। जैसे कोई भी केक हो, आपने अंडा, बटर, शुगर मिक्स किया और अलग से बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो आपके रेसिपी में मेंशन किया गया है फ्लावर की क्वांटिटी, उस हिसाब से निकाल कर आप डायरेक्टली ये फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावर ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में यूज़ किया जाता है और इसमें भी रिफाइंड फ्लावर की तरह सब न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन की क्वांटिटी मॉडरेट होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही बस। आप कमेंट कीजिए अगले वीडियो में आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय।